Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी. आप हो सकता है हमें सुन रहे हो ऑन 1550 AM या फिर हो सकता है आप हमें सुन रहे हो ऑन 99.7 FM HD3. मैं हूं आरजे ईरा और शो यहां पे चल रहा है गुड मॉर्निंग जिंदगी, जिसके अंदर मेरे पास यहां पे आज वेंसडे को क्या होता है. वेंसडे को तो क्या होता है ये आप जानते हैं. वेंसडे को होता है 9 से सुबह 10 बजे के बीच में स्टूडियो में होते हैं रेवा जी, डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी. और जब डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस साथ में आती हैं तो बनता है डिवाइन इंट्यूशन. तो कुछ एक सवाल मेरे पास है, आप जवाब दीजिए जरा. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेट हो गई है, या फिर आपको लगता है कि सब आपके खिलाफ हो गए हैं, या फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में या फैमिली में हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अपनी खुद की या अपने रिलेटिव्स की या बच्चों की किसी की, और कुछ नहीं हो तो स्ट्रेस की बात. अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपके पास हां है तो आपको आना चाहिए रेवा जी के पास. अब रेवा जी के बारे में तो मैं क्या कहूं. डॉक्टर रेवा कुमार PhD इन वास्तु, शी हैज बीन ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट ओबामा एंड शी हेल्प्स इन अचीविंग प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, नेम, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप्स में जो इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, ये सारी चीजें, ये सारी जो बातें हैं और ये सब बातें इम्प्रूव होती हैं उनके वास्तु प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, बिना किसी रिमॉडलिंग या बिना किसी रेनोवेशन के अपने आपके घरों में या फिर आपके जो बिजनेस प्लेस हैं उन सब में. एंड यू नो शी विजिट्स ऑल अराउंड द US, कंसल्ट करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए प्लॉट्स को लेके, होम्स को लेके, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्टोर्स, गैस स्टेशंस, लिकर स्टोर्स एटसेट्रा. सो ओनली डिवाइन वास्तु इज कमिटेड टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ. जस्ट गो इन द डायरेक्शन विद वास्तु, डिवाइन वास्तु, द GPS ऑफ योर लाइफ. और ये GPS हमारे साथ यहां स्टूडियो में है. आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं डॉक्टर रेवा कुमार जी से 5107701550 पर, या फिर स्टूडियो के बाहर आप बात कर सकते हैं 5108683338 पर. और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net. तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट से. रेवा जी, वेलकम टू योर ओन शो. गुड मॉर्निंग ईरा, गुड मॉर्निंग लिसनर्स. बहुत ही प्यार भरा ढेर सारा नमस्कार. और ईरा ने जैसा कहा कि डायरेक्शंस, जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि सही दिशा ले लीजिए और कोई भी दशा हो उसको संवार लीजिए, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए. तो जैसे कि अभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं और सही डायरेक्शन ले रहे हैं अपनी मंजिल पे जाने के लिए, चाहे आप अपने बच्चों के साथ में हैं, फैमिली के साथ में हैं, वर्क में हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन सही ली हुई है तो इसी डायरेक्शन को और भी पॉजिटिव बना सकते हैं लाइफ में सब कुछ पाने के लिए बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु, इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस. ऑलवेज रिमेंबर लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ. एब्सोल्यूटली, रेवा जी ने जैसे कहा लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ. तो रेवा जी, आज हम हमारे आपके आप लिसनर्स के लिए आप क्या लेके आए हैं, आज आप किस बारे में बात करेंगे? हमारा ये जो सेगमेंट होता है ईरा, ये हमारा केस हिस्ट्रीज के केस हिस्ट्रीज एब्सोल्यूटली होता है, जिसमें हम लोग जो भी हमने देखा बहुत खास इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं, जैसे कि काफी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, ब्रांडेड कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं हमारे साथ होते हैं. ये सही है कि हम लोग उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन एनोनिमस चाहते हैं, लेकिन इफ दे पीपल आर इंटरेस्टेड, कई बार चाहते हैं तो हमारे साथ लाइव टेस्टिमोनियल्स भी अपने देते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं है. एंड नेक्स्ट टाइम से वी आर ट्राइंग कि मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैं उनका केस हिस्ट्री डिस्कस करती हूं उसके बाद में अगर वो ऑन एयर आकर कुछ भी बताना चाहें, दे आर ऑलवेज वेलकम. तो अगर मैं आज आपसे ले रही हूं स्पेशल फॉर द बिजनेस, क्योंकि वास्तु ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ घर के लिए ही देखते हैं, खासकर बिजनेस वालों के लिए. अगर मैं घर पे विजिट करती हूं तो उस समय उसके साथ साथ में हम उनके बिजनेस प्लेसेस को भी देखते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है इन्हीं दोनों डायरेक्शंस को देखने के लिए. अब लास्ट ईयर हमारे साथ में थे
बहुत ही वेल ब्रांडेड, अच्छी ब्रांडेड एक कंपनी है और दे मेट मी एंड दे कॉल मी। उन्होंने मुझे बहुत ही जल्दी, जैसे बताया ना कि January 1, 2013 का, मैं ये आपको आज तक मुझे वो दिन याद है, एंड ही कॉल मी इन मॉर्निंग एंड आई सेड कि 1 जनवरी और इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम ओवर देयर, क्योंकि दूसरी स्टेट थी वो जाने की। कहते हैं कि नहीं, जैसे भी है रेवा जी, हमें आप इसे लेना है एंड यू इट्स रिक्वेस्ट, इट्स वेरी अर्जेंसी, क्योंकि हमको बहुत जल्दी इसको फाइनल करना है। उनके आर्किटेक्ट भी उसी समय आए हुए थे जी। तो चल रहा था और आई वेंट ओवर देयर, आने के बाद में ही मैं उनके पास में, फर्स्ट को ही मैं उनके पास में पहुंची। एक्चुअली प्रॉब्लम बस थी कि जो बिजनेस सेल्स थी वो बिल्कुल बूस्ट नहीं थी और जो फोकस था दे वांट टू इम्प्रूव दैट वन ऑल्सो जी, क्योंकि उसका वेयर हाउस भी था और ऑफिस दोनों चीजें थी और एक ही जगह पर वेयर हाउस भी है और दूसरी जगह भी है जी। सेकेंडली उसके साथ में कुछ ऐसी वजह थी कि जो कुछ इश्यूज भी आ रहे थे एंड इट वाज ब्रांडेड, जिसकी वजह से वो चेंज भी नहीं कर सकते थे। उनका पहले यही था कि रेवा जी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए हम वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में मैंने देखा कि प्लॉट की जो लॉट था शे वाज वेरी गुड, इक्वल जस्ट लाइक अ स्क्वेयर लॉट जो हमें चाहिए वो होता है। अब जब उस समय स्क्वेयर लॉट था, उन्होंने क्या किया कि फ्रंट पे जो उनको स्टोर बनाया हुआ था सेल्स के लिए वो ब्रांडेड था, नेचुरली उसको चेंजेस नहीं कर सकते थे। कुछ कलर्स थीम उन्होंने अपनी डाली हुई थी। एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ वैसे कि कलर्स भी हमारी लाइफ पे बहुत ही असर डालते हैं जी। कि उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जाके उनके पास में नॉर्थ की तरफ में बहुत ही ओपन जगह थी। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया नॉर्थ की ओपन जगह को उन्होंने कुछ टच नहीं किया एंड ही वाज डूइंग वेरी गुड, अच्छा चल रहा था, काम बढ़ना शुरू हो गया। वेयर हाउस को उन्होंने और एक्सटेंड करना चाहते थे। व्हाट ही डिड, उन्होंने पूरा का पूरा ही नॉर्थ वेस्ट की तरफ से लेके नॉर्थ वेस्ट प्लस नॉर्थ तक एक्सटेंडेड कर दिया, पूरा का पूरा लॉट एक्सटेंडेड कर दिया। और जहां नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आता था वहां पर भी उन्होंने क्या, पूरा प्रॉपर एक्सटेंडिंग करके उसको थोड़ा सा उन्होंने रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगुलर शेप दे दिया, मतलब कि मिसिंग कर दिया, आधा कॉर्नर मिसिंग कर दिया। जैसे ही किया उसके करते ही इमीडिएटली विद इन 2.5 months लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग। सेल्स जो थी बिल्कुल डाउन चली गई जी, सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी खराब जा रही है। बिजनेस ग्रोथ वॉज नॉट अप टू द मार्क, स्टाफ वॉज सो लेजी एंड कुड नॉट परफॉर्म वेल, इवन के क्लाइंट्स को भी हैंडल करने के लिए, एंड लॉट्स ऑफ लिटिगेशन इश्यूज रिलेटेड विद द लेबर। साथ ही साथ में अनफॉर्चुनेटली आपका यह कि जहां पे उन्होंने एक्सटेंड किया था उसी पोजीशन में लेबर काम करी थी एंड लेबर एक्सीडेंट ऑल्सो है, जिसकी वजह से पूरा शोरूम के साथ में वेयर हाउस में भी उनके पास में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई एंड एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग रेजिंग हाई, जितना भी ज्यादा था कि इनकम की तरफ से बिल्कुल डाउन हो गया। अब उनको क्या हो गया कि जो शोरूम की तरफ जहां पर उनका स्टोर था वहां पे भी उनकी सेल्स खत्म हो गई और साथ ही साथ उनके जहां पे वेयर हाउस थे वहां की तरफ से भी बहुत नुकसान हुआ। आई वेंट ओवर देयर एंड आई हैव अ लुक, देखा, जब मैंने देखा कि जो उनका नॉर्थ पार्ट जो था दैट वॉज एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, जो क्या लेकर आता है इम्बैलेंस इन हैविंग न्यू अपॉर्चुनिटीज और आपको सब प्रॉब्लम्स लेकर आता है उससे रिलेटेड, अलॉन्ग विद दैट दे वर गेटिंग द लिटिगेशंस बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट, जो आपको डेट्स में लेकर आ जाता है, जो आपको लिटिगेशंस में लेकर आ जाता है अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें पर्टिकुलर एक जगह पे लाकर। नेक्स्ट उनका था नॉर्थ 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 वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वॉज ऑल्सो हैविंग ए टेक्सचर वॉल ऑफ ऑरेंज कलर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलर्स बहुत मायना रखते हैं जी। वो वॉल जो ऑरेंज कलर की थी, अब आपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वॉल जो एयर एलिमेंट अगर आपने वहां पे ऑरेंज कलर का टेक्सचर दे दिया है तो आपको क्या होगा, आप नई अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाएंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, लेजीनेस हो जाएगा, जो आपके लेबर है वो आपके साथ में बिट्रे करेगी, आपको स्टेबिंग करेंगे, दे वोंट लिसन टू यू, परमानेंसी नहीं मिलेगी, बार बार लेबर की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। नेक्स्ट जो साउथ साउथ वेस्ट की तरफ में उनका जो पोर्शन था उसको उन्होंने क्या कर दिया, ग्रीन शेड दे दिया बिल्कुल। अब साउथ साउथ वेस्ट में आप ग्रीन लेकर आ जाएंगे, ग्रीन इज रिलेटेड विद द सन एंड दैट नॉर्थ, अगर आपने उस एनर्जी को लेकर आ गया तो दैट इज द वॉटर एलिमेंट जी। तो उसमें ये नहीं था कि वहां पे कोई स्विमिंग पूल था या वहां पर कोई फाउंटेन था, लेकिन एक कलर कितना स्ट्रांग होता है, कलर थेरेपी रियली मैटर्स लॉट। वहां पर वो कलर होने की वजह से उनके साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उनकी जो सेविंग्स थी
वो खत्म होनी शुरू हो गई। जी नेक्स्ट ए वॉल फ्रॉम ईस्ट टू साउथ वॉज हैविंग सर्विस स्टेशन, मतलब कि जहां उसको सर्विसिंग भी दी जाती थी उसी ब्रांड से रिलेटेड। उसको क्या हुआ था, डार्क ब्लू कलर, बिल्कुल डार्क ब्लू किया हुआ था, जिसकी वजह से, क्योंकि वो जो डार्क ब्लू था वो उनको ऑलरेडी कलर मिला हुआ था, लेकिन जब उन्होंने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को एक्सटेंड कर दिया तो पर्टिकुलर उस कॉर्नर का जब नॉर्थ ईस्ट मिसिंग आ गया तो हमारे को कलर लाइन चेंज करनी थी, नहीं तो वहां पे उस समय वो कलर ब्लू काम नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर जगह पे थी जो नॉर्थ को टच करती थी, हमने ब्लू कलर लेके हेल्प ले रहे थे। अब जब प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर दी जाती है और कॉर्नर उसका मिसिंग कर दिया जाए तो वो कलर लाइन्स की, मतलब कि वो हमारा ईस्ट को टच करता है, जिसको हम ये ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर नहीं दे सकते थे। रेनोवेशन वर्क आप लगा लीजिए जो कि ईस्ट में था, दैट वाज फुल विद द जंक और अनयूज्ड आइटम्स, जितनी भी अनयूज्ड आइटम्स थी, इसकी वजह से दे वर गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ही वाज वेरी मच स्ट्रेस कि एक बार तो उन्होंने ये सोचा कि हम इसको सब बंद करके कि या मैं वापस इंडिया चला जाऊं या मैं चाइना चला जाऊं, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आई वॉज डूइंग सो गुड, कि एक डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करने में ही इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि जो ब्रांडेड हो सब कुछ और वो इस समय आ जाएगी, पूरा डेट्स के बीच में आ गया, बिजनेस खत्म हो गया। जब वहां गए देखने के बाद में मैंने उनको सारी प्रॉब्लम्स बताई कि ये प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं। नैनी सेड कि रेवा जी मेरे साथ में यह है कि मैं पूरा सब कुछ रेनोवेशन नहीं कर सकता, पर I was very happy about his confidence कि वो दिल के अगर एक तरफ से निराश है तो कहीं उनके एक चाहत भी है कि नहीं मुझे अभी भी शायद मैं खड़ा हो सकता हूं, और जो उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी मेरी तरफ, दैट वॉज रियली ऑसम। एंड ही वॉज ए यंग गाय, गॉड ब्लेस हिम, ही इज ए यंग गाय और वेरी अम्बिशियस, बट ही वॉज वेरी डिसहार्टेंड बिकॉज ही वॉज द ओनली सन ऑफ द पेरेंट्स एंड द लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन द पेरेंट्स वर हैविंग दैट आवर सन इज देयर एंड इज डूइंग दिस एंड दैट, और वो चाहता था कि मैं क्यों नहीं ये कर पाया। देन आई स्टार्टेड, मैंने उसको रेक्टिफाई किया, जो उनका नॉर्थ था उसको मैंने ग्रीन कलर से, अब जो हमारी जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स लेते हैं, वायर्स लेते हैं और हमारी डिवाइन टेक्निक है विद द ग्रीन टेक्निक के साथ में, उसको मैंने एक्सटेंड पोर्शन को ठीक किया। जहां हमारा ऑफ व्हाइट जो कलर था, ऑरेंज कलर जहां नॉर्थ वेस्ट को चल रहा था, उसको चेंज करके वी वेंट टू द ऑफ व्हाइट कलर, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट को एनहांस करना था, मून को एनहांस करना था। देन ग्रीन शेड वॉज ऑल्सो पेंटेड इन अनदर कलर, कि जो हमारा ग्रीन शेड बैक साइड पे दे रहा था। ब्लू कलर वॉज चेंज टू द ग्रीन, क्योंकि वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, उसको हमने चेंज करके, ब्लू कलर को चेंज करके लाइट कलर में दे दिया। और जो ईस्ट में जहां उन्होंने सारा जंक रखा था, वी रिमूव्ड ऑल द ईस्ट जंक। और जो साउथ ईस्ट का, जहां की वजह से हमारे को बहुत ज्यादा लिटिगेशन या प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहां पर हमने रेड बल्ब को, रेड लाइट को लेके उसको इनहेंस किया, फायर एलिमेंट को। और जो नॉर्थ था वहां पर हमने प्रॉपर उसको अपने डिवाइन टेक्निक से, जो कॉर्नर हमारा मिसिंग था, वी एक्सटेंडेड बाय डिगिंग आवर डिवाइन टेक्निक्स, डिवाइन टूल्स ओवर एंड दैट कलर टू गिव द प्रॉपर शेप। आप यकीन मानिए कि उसके बाद उन्होंने काफी हमारे शो को भी स्पॉन्सर किया काफी हमारे ट्रिविया में भी लोगों को काफी इन्होंने प्राइजेस दिए। जी विद इन टू एंड अ हाफ मंथ्स द फर्स्ट चेंज की, मतलब एक रेड लाइट से साउथ ईस्ट से भी जिस केसेस की तरफ वो इनको ले लिया गया था, उसे एकदम ही वो स्क्रिप्ट से बाहर आ गए, लिटिगेशन से इंस्टेंटली ही। वाओ, दैट वॉज रियली ग्रेट। और वो वॉज वही दिन था, उसके बाद से मैं आज तक दे आर डूइंग बेस्ट टचपुट। तो वही रेवा जी, ये लोग सब जिनको भी ऐसी दिक्कत आती होगी वो यही सोचते होंगे कि सब कुछ जो ठीक चल रहा था ऑल ऑफ अ सडन वो कैसे रिसेप्ट हो जाता है, क्योंकि वो उन्होंने बढ़ा दिया, बढ़ाने में डायरेक्शन चेक नहीं, लेबर वही है, सब काम करने वाले वही है, सब ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ऐसा खराब कैसे हो जाता है, तो वही सब सोचते होंगे। ही वॉज वेरी मच स्ट्रेस कि भी आई वॉज डूइंग सो गुड, मेरा सब कुछ चल रहा था और अब क्या हो गया, क्या कैसी प्रॉब्लम हो गई। सिर्फ यही प्रॉब्लम हुई कि जो उन्होंने एक्सटेंडेड किया था उसका पर्टिकुलर एक पार्ट जहां से एनर्जी चाहिए थी नॉर्थ ईस्ट को काट दिया और साउथ वेस्ट की कलर को चेंज करके सारा रख। तभी तो हम कहते हैं दैट वास्तु इज ए ब्लेंड ऑफ फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर विद द हेल्प ऑफ नाइन प्लैनेट्स हु रिजाइड्स इन टेन डायरेक्शंस ऑफ योर ड्वेलिंग टू एनहांस द सेवन चक्रास फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट।
आपकी सारी दुनिया में यही कहना चाहती हूं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, सर से लेके पांव तक आप अपना देखिए, जैसे कि आपके शरीर में पांच तत्व हैं, फाइव एलिमेंट्स हैं, उसी तरह आपकी ड्वेलिंग में भी फाइव एलिमेंट्स हैं एंड दैट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। जी एब्सोल्युटली। एंड रेवा जी, आई हैव अ कॉलर हु इज बीन वेटिंग टू स्पीक टू यू। जी हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। मुझे पूछना था कि बच्चों के रूम में हम लोग को कलर देना था जी, और बच्चों के स्टडी रूम में, तो कौन सा कलर अच्छा होता है बच्चों के रूम में और मास्टर बेडरूम में? बच्चों के रूम में अगर आप कलर देना चाहती हैं, यू कैन गो फॉर सी ग्रीन कलर दे दीजिए या लाइट हल्का येलो कलर दीजिए। डोंट गिव एनीथिंग इन डार्क कलर, डार्क कलर बिल्कुल नहीं दीजिए, बहुत ज्यादा डार्क ब्लू या डार्क ब्लैक को बिल्कुल अवॉइड करें। और लाइट ब्लू चलेगा बच्चों के स्टडी रूम में? स्टडी रूम में लाइट ब्लू नहीं चलेगा, सी ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर चलेगा, सी ग्रीन कलर चलेगा। हाँ, उनका बेडरूम है बॉयज का, नॉर्थ की तरफ उनका बेडरूम है, उसको आप लाइट ब्लू कलर दे सकती हैं, लेकिन स्टडी रूम को अगर आप सी ग्रीन देंगे या येलो, लाइट येलो कलर देंगे, उनको सनलाइट की एनर्जी चाहिए, उन्हें फोर्स चाहिए, उन्हें ड्राइविंग फोर्स चाहिए, उन्हें प्रॉपर कंसेंट्रेशन चाहिए, जिससे ये कलर से मिलती है। और मास्टर बेडरूम में कौन सा दें? मास्टर बेडरूम अगर आपका साउथ वेस्ट में है तो गो फॉर समथिंग स्टेबिलिटी, अर्थ कलर को ले लीजिए, बेज कलर को ले लीजिए, रस्ट कलर को ले लीजिए, ताकि वो आपको रिलेशन में स्टेबिलिटी दे, लॉन्गविटी दे, ग्रोथ दे। और एक लास्ट क्वेश्चन, सपोज मुझे ना वाटर फाउंटेन रखना है घर में, तो मैं कौन से कॉर्नर में रख सकती हूँ फिर वो? आप उसको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट तक बस लाइन को लीजिएगा, और कहीं किसी कॉर्नर में नहीं रखें। अगर वाटर फाउंटेन रखना चाहती हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। अगर घर से बाहर रखना चाहते हैं तो आप याद रखिए, इफ यू आर गोइंग आउट फ्रॉम द हाउस देन इट शुड बी ऑन योर राइट साइड, ये ध्यान रखें। घर के अंदर रखें तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रखें। बाहर रखना है तो घर के राइट साइड पे रखना है। अगर आप बाहर जा रही हैं तो आपके राइट, अंदर आ रही हैं तो आपके लेफ्ट। ओके। एंड इफ द हाउस इज साउथ फेसिंग, आप प्लीज एक से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत कॉलर्स होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। जी चलेगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी, हाँ जी, बताए। एक्चुअली मुझे शादी के लिए पूछना था, मेरी सिस्टर की शादी के लिए कोई है क्या, मतलब कुछ कर सकते हैं क्या? आप उनको बहुत इजी है, उनको साउथ, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में उनको सिलाई है, बहुत जल्दी शादी होगी। और जब सोती हैं तो एटलीस्ट दीवार और साउथ की तरफ सर करके सोएं, लेकिन वॉल से एटलीस्ट इतना डिस्टेंस हो उनका बेड का कि जैसे अगर हम लोग शादी के समय फेरे लेते हैं, इजिली घूम सकते हैं। दिस इज द बेस्ट रेमेडी, लेट हर स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट। और साउथ वेस्ट में कहीं भी उनके अगर आपने कपड़े रखे हैं, कुछ रखे हैं, सब उठा के नॉर्थ वेस्ट में ले आइए, उन्हें फायदा होगा। ओके, साउथ की तरफ सर करके सोना है, लेकिन उधर दीवार से उतनी जगह रखनी है जितना फेरे लेने जी, के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कपड़े नॉर्थ ईस्ट, सब नॉर्थ वेस्ट में, सब कुछ उनका नॉर्थ वेस्ट में ले आइए, ताकि एयर एलिमेंट की तरह जल्दी जल्दी उनकी शादी हो जाए। ओके लिखिए जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी, हाँ बताएं। हेलो, हेलो जी, हाँ बोलिए, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, माय किचन बर्नर इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। मैंने लास्ट वीक आपका प्रोग्राम सुन रही थी, तो आपने बताया था कि वो साबुत धनिया होता है वो इट शुड बी प्लेस ऑन द किचन काउंटर और क्लोजेट के अंदर। आप क्लोजेट के अंदर में, जहाँ आपको नॉर्थ कॉर्नर दिखाई दे रहा है, वहाँ क्लोजेट के अंदर में आप साबुत धनिया किसी बॉटल जार में डाल के बंद करके रख दीजिए। What are the benefits for this? Because that is really, it is a green color. जैसे कि अभी हम आपसे थोड़ी देर पहले भी शो में बात कर रहे थे कि कलर्स कैसे हेल्प करते हैं, एंड कोरिएंडर द धनिया इज वेरी हेल्पफुल। ग्रीन कलर है उसमें आपकी जितनी भी है, दैट इज ब्रिंग्स द एनर्जी, वो नॉर्थ को, मर्करी को इन्हेंस करता है। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो उसको आपको हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड लेते हैं रेवा जी हमारा आज का आखिरी कॉल, एक और जी। हाय, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो रेवा जी, हम लोग, हमारा गराज जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है जी, तो वहाँ से हम एंटर करते हैं, दैट इज गुड, बट
वहाँ पे गाड़ी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? देखिए डियर, हम हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हैवी मत रखिए, बिकॉज योर हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी। अगर मैं आपके सर के ऊपर में कोई भारी चीज रखूं तो हम कैसा रहेंगे? अगर नॉर्थ ईस्ट में आप अगर गाड़ी रखना भी चाहती हैं तो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की तरफ पार्क करीजिए, एटलीस्ट उस पोर्शन का नॉर्थ ईस्ट को लाइट रहने दीजिए, नीट क्लीन रहने दीजिए। अगर बाहर पार्क करती हैं दैट इज द बेस्ट, अगर अंदर भी पार्क करनी है तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक्सट्रीम ले जाइए गाड़ी को, और साथ ही साथ में ईस्ट वॉल पर या नॉर्थ ईस्ट की तरफ में अगर आपको रास्ता मिलता है, कोई दीवार मिलती है, तो वहां पे स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगा दीजिए। ओके ओके। और हम मेरे घर में दो रूम जो है वो साउथ ईस्ट में आते हैं, ऊपर और नीचे, बाकी कोई रिक्वेस्ट है कि मुझसे इस समय थर्सडे के लिए बाकी रख लीजिए अपने सवाल। इस समय मुझसे आप एक सवाल किया कीजिए, क्योंकि बहुत कॉलर्स होते हैं और समय बहुत कम होता है, और ये टेस्टी भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं। ओके, थैंक यू। बट मैं डेफिनेटली बता दूं कि अगर जैसे कि रेवा जी ने कहा, अगर आपके कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं कल दोपहर को, थर्सडे की दोपहर को। एब्सोल्युटली, आप ईमेल कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं रेवा जी को, नंबर है 5108683338। रेवा जी फोन की लाइनें तो अभी भी जल रही हैं। हमारा ईमेल आईडी भी दे दीजिए। एब्सोल्युटली, मैं बता देती हूँ, वेबसाइट पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net, और ईमेल एड्रेस मैं देती हूँ बस divineavc@gmail.com, A for apple, V for victor, C for cat, दिस इज divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। मैं बोल रही हूँ कि इतनी सारी फोन लाइनें तो जल ही रही हैं, लेकिन माफी चाहते हैं उन सभी लिसनर्स से जिनके फोन कॉल हम नहीं ले पाएंगे। और रेवा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आज बात कर रही हैं कि बिजनेस में रेक्टिफिकेशन उन्होंने कैसे लेके आए, केस स्टडी डिस्कस की कि एक बिजनेस था ब्रांडेड बिजनेस जिसको चेंज नहीं कर सकते थे कुछ भी, लेकिन कलर्स को लेकर रेक्टिफिकेशन डिवाइन टेक्निक से कैसे रेक्टिफिकेशन की। तो रितेश जी यहाँ बैठे हैं, रितेश जी भी सुन रहे हैं हमेशा की तरह, मैं वही बोलूंगी, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सारी बातें सुन के रितेश जी। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ कि मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवा भी है और धूप भी है, ऐसे ही सुहाने मौसम में आपका बहुत बहुत अच्छा दिन और आने वाला पूरा हफ्ता जाए। और ईरा जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी, पूरा हफ्ता, पूरी जिंदगी, पूरे महीने, सारे साल। आई करेक्ट माई सेल्फ जी। तो बताएं ईरा जी, मन मन मुस्कुराने की तो बात यह है कि आप दोनों जिस तरीके से बात कर रही होती हैं, और मैं वही सेम बात रिपीट करूंगा जैसे आपने करी है, कि ज्ञान के बीच में आदमी ध्यान में चला जाता है। जब ज्ञान की बातें हो रही हो ना, तो मैं भी बड़े ध्यान से सुनता रहता हूं। सबसे बढ़िया बात जो हमेशा शुरू करता हूं रेवा जी के शो के बाद, आज एक बात किसी ने पूछा है रेवा जी से कि ग्रीन कोरिएंडर की सिग्निफिकेंस क्या है। जी देखिए, दो लॉजिकल बातें हैं इसके अंदर, एक चीज मैं बताऊंगा नॉर्मल और एक बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी इस बात के ऊपर। सबसे पहली बात यह, अगर रेवा जी आपको धनिया की पत्ती रखने को वहां बोलेंगे तो बार बार वो खराब होती जाएगी, आप फेंकेंगे, नहीं लेके आएंगे जी, ठीक है। और वो उसकी अब्सॉर्बिटी क्या है, नेगेटिविटी मरकरी के लिए या फिर कहीं पर जॉब के लिए या घर में कोई प्रॉब्लम में क्रेश ना रहे, हम लोग भी धनिया की पत्ती और दही का रेमेडी देते हैं। तो जो रेवा जी ने बात बताई वो क्या है कि ड्राई कोरिएंडर सीड्स जो हैं वो आपकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करेंगे वहां पे, एंड यू डोंट हैव टू थ्रो देम वेरी ऑफनली। हाँ ये जरूर है कि आपको फर्क जो है बराबर मिलेगा, बट उन्होंने आपकी टाइम की और आपकी चीजों की बचत के लिए बताया। और एस्ट्रोलॉजिकली हरा धनिया जो है, साबुत हरा धनिया कई चीजों में काम आता है। बिल्कुल सही कहा रितेश जी आपने, और इसी तरह हम लोग कलर थेरेपी को जैसे बात कर रहे हैं, एब्सोल्युटली इट हेल्प्स अस कई जगह पर। अब ऐसा नहीं है कि जहां येलो कलर नहीं दे सकते वहां चने की दाल रखते हैं, नथिंग लाइक दिस। पर्टिकुलर किसी चीज से रिलेटेड है उसी को ही हम आपको रेमेडी दे रहे हैं, कि जहां सिग्निफिकेंस की कहां पर हम किससे हेल्प ले सकते हैं कलर थेरेपी से। जी जी एब्सोल्युटली। तो रेवा जी आपने कहा क्या कहा था, ये हरा धनिया, ये धनिया का साबुत धनिया किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? हमारा किचन सही डायरेक्शन में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आ जाता तो उसके नॉर्थ कॉर्नर में, क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद मर्करी, आपको जॉब की अनवांटेड एक्सपेंसेस प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो उसको अगर आप किसी जार में डालकर कोरिएंडर सीड्स को नॉर्थ डायरेक्शन में रख देंगे, किचन के नॉर्थ, तो वो आपको उस नेगेटिविटी से बचाएगा। इसीलिए आपने एक बात और नोट करी होगी, कई बार आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या फाइव स्टार होटल्स में, खास करके इंडिया में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि विनेगर के अंदर में बहुत सारे स्पाइसिस वगैरह को उन्होंने बना के बॉटल्स रखी होती हैं, चीजें रखी होती हैं। ये भी कलर एनहांस करने का सिस्टम भी है, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस पे भी और वास्तु पे भी रिलेट होती है ये चीज जी। इट इज नॉट ओनली डेकोरेशन, मैम डेकोरेशन पे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट वाई दिस एब्सोल्युटली सोचने की बात ये है। रितेश जी आपसे और बातें डेफिनेटली हम करेंगे, लेकिन मुझे आपकी वो पसंद का गाना आप बता रहे थे जो जी, मैं आपको सुनाऊं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
वेलकम बैक एवरीवन, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM पे। मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं स्टूडियो में रितेश जी और रेवा जी। रितेश जी के बारे में तो मैं रितेश जी के बारे में भी मैं क्या कहूँ, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट हैं, स्पिरिचुअल रीडर हैं। रितेश जी ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज, कम्प्लीट सोल्यूशंस, एंड दैट ऑल्सो विद द एंशियंट साइंस ऑफ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। तो और वो डेफिनेटली ऑफर करते हैं, यू नो वो ब्लेंड देते हैं न्यूमरोलॉजी, न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का। लाइक आई सेड, ही इज अ स्पिरिचुअल कंसल्टेंट। तो आपके कोई भी सवाल हैं आप उन्हें रेडी रखिए, फोन कर सकते हैं आप, बस थोड़ी ही देर में लाइंस ओपन होंगी। नंबर अभी है 5107701550 और स्टूडियो के बाहर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5109313107। उनकी वेबसाइट है divineintuition.us जिसपे आप लॉग ऑन कर सकते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, और आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineRKK@gmail.com। रितेश जी वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू ईरा जी। तो रितेश जी अभी हम बात कर रहे थे, जैसे रेवा जी भी अभी बता रही थी बिजनेस के बारे में और ब्रांड के बारे में, जैसे उनके जो क्लाइंट थे जो केस स्टडी बताई थी। आप बताइए कि ये जो लोगों के नाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लड़कों बच्चों के नाम होते हैं जो न्यूबॉर्न के नाम रखते हैं और अडल्ट के नाम जैसे होते हैं, तो क्या ये बिजनेस के नाम पे भी अफेक्ट करते हैं? और अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल वो चीजें, बिजनेस का नाम अगर इनकरेक्ट होता है एज पर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है क्या, या फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे कुछ अफेक्ट होता है कैसे, हाउ डज इट वर्क? देखिए ईरा जी, ये दोनों बातें डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। सबसे पहले एक बात लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन था कि बिजनेस नेम के हिसाब से अगर जो ओनर है, जैसे प्रोपराइटर है या फिर उसके प्रेसिडेंट है, जो भी है, अगर तो वो अपना नाम चेंज करते हैं कि बिजनेस एस्टेब्लिश्ड उन्होंने लिया, जैसे देर आर मेनी, हम लोग बिजनेस लीज पे लेते हैं, हम उनका नाम चेंज नहीं कर सकते। लाइक किसी ने अगर फर्ज कर लेते हैं कि स्टारबक्स लिया है या फिर सबवे लिया, वो उनका नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट ऐसी चीजों के ऊपर हमें येस ओनर के नाम के चेंजेस करने पड़ जाते हैं अगर वो कम्पैटिबल नहीं है। द रीजन बिहाइंड इसमें दो बातें आती हैं। न्यूमरोलॉजी कहती है नेम कम्पैटिबिलिटी, न्यूमरोलॉजी सिग्निफाई करती है इस बात पर वो प्रोफेशन सूट कर रहा है नहीं कर रहा। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि वेदर मुझे काम बिजनेस करना है नहीं करना, मुझे किसी के अंडर काम करके कमाना है या मुझे कमाई करनी है अपने बिजनेस के थ्रू, मेरे अंडर लोग काम करें। तो अब ऐसे जब बिजनेस किसी के पास होते हैं, देन द ओनली थिंग वी कैन डू इज टू चेंज द नेम और टू प्ले विद द नेम जो इंडिविजुअल इंसान है, जो ओनर है उसके। बट कई चीजें होती हैं, लोग अपना खुद का बिजनेस खोलते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स और भी कई चीजें जिसमें वो अपना खुद का नाम देते हैं। गारमेंट्स में ले लीजिए, क्लोथिंग पे ले लीजिए, तो अपना करते हैं जैसे लोग, उसके अंदर मैटर जरूर करता है। उसके अंदर हम लोग पहले उन्हें बोलते हैं कि फर्ज कीजिए आप अपना नाम नहीं चेंज कर पा रहे हैं, देर आर सो लीगैलिटीज की आपको दिक्कत लग रही है, कुछ लग रही है, एंड आई इवन डोंट फोर्स देम। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मेरा मानना यह है, इंडिविजुअली शायद मैं ही ऐसा हूं जो कहता है कि अगर नाम चेंज करना ही है तो हम पूरा करें। द रीजन बिहाइंड, मेरा नाम रितेश है, मैं इसको RITESH लिखता हूं, अगर मैं इसको रितेश देशमुख की तरह RITEISH कर दूं तो भी बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड द प्रोनाउंसिएशन, जो नंबर नाम की वाइब्रेशन है जो लोग बोलेंगे वो तो सेम ही रहेगी। दे विल नॉट से रितेश, दे विल से रितेश, दे विल से रितेश। हाँ, फर्क जरूर पड़ता है। जैसे रितेश देशमुख जी की भी आप देखें, लाइफ में फर्क पड़ा जब नाम चेंज करा, थिंग्स हैव बीन बेटर, बट सुपीरियर जो एक कहते हैं इन्फ्लुएंस नहीं आ पा रहा है जी। तो इसीलिए चीज मैटर करती है। अगर हम लोग पूरा नाम बदलें तो अच्छा रहता है। तो ऐसी चीजों के ऊपर में व्हाट वी ट्राई इज कि डिपेंड करता है बिजनेस किस नेचर का है, और अगर जो शख्स हैं जिन्होंने बिजनेस लिया वो नाम नहीं चेंज कर पा रहे हैं, देन वी कीप द नेम अकॉर्डिंग टू द कंपैटिबिलिटी जी। एंड इन दैट केस कंपैटिबिलिटी इज नॉट 100%, बट हम वो नंबर्स को एनहांस करते हैं जो उस प्रोफेशन को लीड कर रहे हैं जी। और कई बार हम बोलते हैं फिर कि आप एक पार्टनर डाल लीजिए, चाहे वाइफ को चाहे किसी बच्चे का नाम ऐसे डाल लीजिए ताकि हम उनकी पॉजिटिविटी उस नाम पे ले सकें जी। तो टॉकिंग अबाउट नेम्स, जैसे आप बिजनेस नेम की बात कर रहे हैं, तो ये फिल्मों के नाम या फिर प्रोडक्शन हाउसेज के नाम, ये बॉलीवुड में भी तो इतना ज्यादा चलन है इस चीज़। बिल्कुल चलन है, असलियत में मैं आपको बताऊं बॉलीवुड में ये चलन पहले भी था, लेकिन पहले इतना प्रोमिनेंट और इतना पता नहीं चलता था।
अब ज्यादा पता चलता है क्योंकि जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी की अवेयरनेस आ रही है, डाउन द लाइन अगर आप आज से 15 साल पहले चले जाइए तो पता भी नहीं चलता था। लेकिन अगर आप राकेश रोशन जी की बात करें तो वो के पे शुरू से ही अटके पड़े हैं जी, एक्चुअली ठीक है था ये तब भी, पर इतना ज्यादा पता नहीं था। टैरो रीडिंग आज देखिए इंडिया में कितनी प्रोमिनेंट, कितनी फेमस है, हमें इंस्टेंट लोग जवाब चाहते हैं, चीजें चाहते हैं। अमेरिका में तो बहुत साल पहले से है, ठीक है। तो ये तो धीरे 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 जैसे जैसे अवेयरनेस आती है तो पता चलती है। जहां तक रही बात इससे फर्क पड़ता तो फर्क बहुत पड़ता है, और आप किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए फर्क जरूर पड़ रहा है। देर आर मेनी फिल्म्स जो हिट नहीं होती पर बिजनेस बहुत करती हैं जी, देर आर मेनी फिल्म्स जो बिजनेस ज्यादा नहीं करती पर दे आर वेरी हिट और उन्हें अवार्ड्स भी मिलते हैं जी, जी। तो दोनों चीजें अलग है, मेरी नीड क्या है। एग्जाम्पल भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग का अगर हम टोटल करते हैं ना वो नंबर 4 पे आता है, रूट बाय राहुल, ठीक है। दूसरी तरफ में फरहान अख्तर जब ये पिक्चर बना रहे थे तब ही वॉज इन टू 40 ईयर्स ऑफ एज, ओके ठीक है, वो भी राहुल का नंबर है। दोनों चीजों को लेते हुए अगर मैं लू 2013 और 2014 के जिस टाइम के बीच में पिक्चर रिलीज हुई है, जब प्लानिंग बनाई गई थी, वो कहां पे रूल कर रहा है, कहीं पे वीनस 2013 और 2014 रूल करता है केतु जी। ये सारे नंबर्स कंपैटिबल बन रहे हैं, एज भी कंपैटिबल बन रही है, पिक्चर ने हर तरह से नाम इज्जत कमाया, बट कहीं ना कहीं मनी मेकिंग पे देखा जाए तो उतना ज्यादा बिजनेस नहीं था जी। बट एप्रिसिएशन, फिल्म फेयर अवार्ड्स, सब चीजें मिली हैं। इट वॉज अ सक्सेसफुल मूवी, इट वॉज अ सक्सेसफुल मूवी, इतनी ज्यादा की हर एक ने पसंद करी। बट पैसा जहां पे जितना पैसा शायद चेन्नई एक्सप्रेस ने कमाया उतना भाग मिल्खा भाग ने नहीं कमाया। एब्सोल्यूटली नो, यू राइट, सेम नेम भी जी कहना चाहते हैं तो डिपेंड करता है, क्योंकि वो पिक्चर बनाई गया एक एक प्रिंसिपली सोच के बनाई गई जी। जो उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने ये सोच के बनाई है कि मुझे इस पिक्चर को लोगों साबित करना है, एक लेजेंड की स्टोरी बतानी है। एब्सोल्यूट, तो वो एप्रिसिएशन अलग तरह की है जी, ये अलग तरह की है। तो एक कमर्शियल मूवी और एक दूसरी मूवी का फर्क बन जाता है। लेकिन इकोनॉमी के लिए अगर देखें कि बिजनेस पॉइंट से देखें तो हम इट डिड वेरी गुड, बट नॉट जैसे चेन्नई एक्सप्रेस ने करा, बात मैं वो कर रहा हूँ आपसे। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड कैसी है। अगर यही नंबर नंबर 4 की जगह, मैं अब तो पिक्चर हिट हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, मेरी भी फेवरेट पिक्चर, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, अगर हम थोड़ा सा इस नाम नंबर को थोड़ा सा प्ले कर लेते, ठीक है, तो हम लोग पैसे के हिसाब से भी आगे बढ़ा लेते जी जी। तो ये डिपेंड करता है, तो ये चीजें काफी कई बार स्ट्रेटेजिकली प्लेस भी होती है। एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल नीड। अब कोई मेरे पास आए वो मुझे कहे कि रितेश मेरा गोल, मुझे बड़ी अच्छी बात एक याद आती है, अगर आपने मिलियनर बनना है ना तो आप बिल्कुल बन सकते हैं, पर बिलियनर बनने के लिए आई एम सॉरी टू से आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। और वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है हमारे साथ स्टूडियो में ये। तो मैं लिसनर्स को मैं वापस याद दिला दूं कि भाई यहाँ पे डिवाइन जंक्शन में मेरे साथ में है डॉक्टर रेवा कुमार जी और रितेश कुमार जी। एब्सोल्युटली, और रेवा जी हमसे बात कर रही थी, अभी हमें बता रही थी कि एक बिजनेस की केस स्टडी उन्होंने डिस्कस की कि कैसे कलर्स को और कलर थेरेपी से और डिवाइन टेक्निक्स की मदद से वो वहां पे रेक्टिफिकेशन हुई। और रितेश जी यहां पे हमें डेफिनेटली बता रहे हैं कि नाम से और नाम की वाइब्रेशन से बिजनेस के या बिजनेस ओनर के उससे कैसे फर्क पड़ता है। तो आपके अगर कोई सवाल है रितेश जी से आप पूछ सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, नंबर वही है 5107701550। और स्टूडियो के बाहर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5109313107। उनकी वेबसाइट बहुत सिंपल है divineintuition.us, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divinerkk@gmail.com। रितेश जी यहां पे तो कॉलर्स की लाइन आपके लिए भी लगी है जी, सो आपकी इजाजत हो तो ले आज का पहला कॉल। बिल्कुल, हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। नमस्कार जी, मेरा नाम रजविंदर कौर है, डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1976। यू सेड 4 जुलाई 1976 जी, क्या जानना चाहते हैं आप? काम के बारे में जानना चाहती हूँ, अभी तो मैं बेबीसिट कर रही हूँ 3 साल से जी। तो आप क्या देखिए, आप बेबी सिटिंग में ही कुछ और चीज बढ़ाना चाहते हैं या कुछ और इंटायरली नया करना चाहती हैं? और काम करना चाहती हूँ, जैसे 3 साल हो गई इसको करते अभी। देखिए मैम, पता क्यों, सवाल से ही जवाब निकलेगा। अगर तो आप सोचते हैं कि मेरे फाइनेंशियल कब बदलेगा, उसका जवाब अलग है। अगर आप सोचते हैं कि मैं जॉब, आप किस करियर पे जाना चाहते हैं, फर्स्ट करियर, अभी आप बेबी सिट कर रहे हैं, आप बोलते हैं जी मुझे बिजनेस करना है, नहीं मुझे सीएनए पे जाना है, मुझे रजिस्टर्ड नर्स बनना है, तो वो जवाब अलग हो जाएगा। क्या है सवाल आपका, फाइनेंशियल है या जॉब नहीं है? जॉब है, कोई और जॉब करना चाहती हूँ कुछ हो जाएगा जैसे जी। बिल्कुल क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं इसी में यहाँ पे फाइनेंस पे बताता हूँ। देखिए इसी अगस्त से करीब आप मान सकती हैं 13th of August से फर्क पड़ रहा है आपके स्टार के ऊपर। अगर आप नई जॉब ढूंढती हैं, ढूंढना चाहती हैं, करना चाहती हैं, तो अगस्त में आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगस्त से सितंबर का टाइम आपको फेवर कर रहा है। ठीक है,
ठीक है। और दूसरी तरफ में यही जॉब पे हो सकता है वो आपको और ज्यादा आवर्स दे दें, या हो सकता है एप्रिसिएशन या पैसे बढ़ा दें, आपको पैसे का फायदा आना है इसी 13 अगस्त के बाद। ठीक है जी, तो लकी नंबर कुछ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है लकी नंबर। नहीं रेमेडी की कोई लोड़ नहीं है जी, तो कोई लोड़ नहीं है, हल्दी घड़ी कोई लोड़ नहीं है कि गां चल के आपन कोई लोड़ पे थे पे। ठीक है, तो आपके लकी नंबर है 1, 7 and 8। जी ओके, ठीक है, बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। रितेश जी आप तो कितनी अच्छी पंजाबी भी बोलते हैं। बिल्कुल, बताया क्या मुझे अमेरिका में, सच बताऊं सबसे ज्यादा अगर जब मैंने शुरू करा था चीजें आज से कुछ साल पहले, तो मेरे जो ये पंजाबी कल्चर ने मेरी बड़ी मदद करी है। और हाँ, मैंने इतनी अच्छी आती नहीं थी, मुझे सिखाया उन्होंने, मेरे गुरु हैं यहाँ के सारे पंजाबी। बहुत अच्छी आप कितना अच्छा, मैंने पहली बार सुना है, इट साउंडेड सो ब्यूटीफुल। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रितेश जी। नमस्ते रितेश जी। नमस्ते जी। मेरे हस्बैंड का नाम है सचिन अग्रवाल जी, एंड एक्चुअली हमने अभी अपना घर परचेज किया है, एंड आई जस्ट वांट टू नो लाइक उसमें मूव करने के लिए हमारे पास कौन सा अच्छा दिन रहेगा। हम 12 जून से 20 के बीच में कभी भी मूव हो सकते हैं जी। पहले आप उनकी डेट ऑफ बर्थ दें मुझे। हाँ जी, 6 मई 1976। 6 मई 1976, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू योर हस्बैंड। थैंक यू सो मच। अब आप बोल रहे हैं कि आप शिफ्ट करना चाहते हैं, कौन सी डेट बताई आपने? एक्चुअली हमारे पास 12 जून से लेके हफ्ता है, मे बी 20 तक हम कभी भी कर सकते हैं, 12 जून से 20 के बीच में। ओके, तो 12 जून से अगर आप 20 मई की बात कर रहे हैं, सचिन आप बुरा ना माने इसमें, मैं आपका भी नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? हाँ शो, चारू। चारू जी, देखिए या तो आप 13th को कर सकते हैं, 14th को कर सकते हैं, 13th 14th। ओके, ठीक है। नहीं तो अगर दोनों में चीजें लूं तो एक 11 तारीख का जो इनके लिए अच्छा बन रहा है, आप दोनों के हिसाब से, चारू जी के हिसाब से भी और सचिन जी के हिसाब से भी, 11th of June 13th of June इज वेरी गुड। तो अगर एक दिन पहले, यस एक दिन पहले कर लीजिए, या तो 12 से 11 को कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये बड़ा फायदा देगा। इसी की चीज में थोड़ी सी मैं आपको एक चांस और थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपने ये जो घर लिया है, यहाँ पे आपने बिल्कुल अभी अभी खरीदा ही है, ब्रांड न्यू है या पुराना, इसमें भी मैटर करता है? नहीं, एक्चुअली ये बना तो काफी पुराना है, हमने परचेज अभी किया है, अप्रैल में डील हुई है हमारी। मतलब इट्स नॉट अ ब्रांड न्यू हाउस, ऐसा नहीं है? नहीं। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज देख लेते हैं हम लोग। तो जून में हाँ, आपके लिए फिर इस हिसाब से 14th ही डेट बन रही है या 20th बन रही है? अच्छा, 14th और 20th, क्योंकि दिस इज ओल्ड हाउस, तो आपने वो खरीदा, इन्वेस्टमेंट करी है, नाउ यू पीपल आर शिफ्टिंग देयर। यस, तो इसलिए थोड़ा सा चेंजेस है। तो 14 तारीख या 20 तारीख मानिए। ठीक है, तो हम जो गृह प्रवेश की पूजा या हवन होता है वो हम उसी दिन करके और उस दिन से रहना चालू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उससे पहले शिफ्टिंग तो देखिए कभी भी शुरू कर दीजिए, जब आप वहां जाके रहना शुरू करते हैं, सोते हैं या कुछ खाना बनाते हैं, तभी आप अपने वहां पर किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप अपना हवन कीर्तन पूजा पाठ करा सकते हैं। जी ठीक है, तो रितेश जी 14 को अगर हम हवन कराना चाहते हैं, उसका भी कोई टाइम आप बता सकते हो क्या, लाइक किस समय पूजा करवाएं? मैं बिल्कुल बता सकता हूं, पर जिन्हें आप बुलाएंगे, जिस पंडित जी को बुलाएंगे, उनके भी अपना टाइम फ्रेम देखना है और उनके हिसाब से भी वो योग निकाले, उनको कुछ मौका तो दीजिए। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, बट आप अगर कुछ शुभ टाइम बता दीजिए। मैं बता दूं पंडित जी के पास ये अपॉइंटमेंट, पंडित जी के पास टाइम नहीं होगा? नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, आपको लिखना है मैं तो वही दे देता हूँ आपको, लेकिन उनके पास ये टाइम नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? हम किसी और को और दो तीन ऑप्शंस और एक्सप्लोर कर लेंगे जी। मॉर्निंग सुबह 6:05 से लेके 2:30 तक, मतलब मान लीजिए कि 2:23 तक का टाइम अच्छा है। अच्छा जी, तो 14 तारीख को सुबह 6:05 से 2:30 तक का। जी बिल्कुल, इसी के अंदर में जो और अच्छा योग बनता है वो फिर शाम का बनता है, 7:30 से लेकर तकरीबन 10 बजे तक का। अब शाम को करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप लोग सुबह कर सकते हैं 6:05 से लेकर 2:23 तक। बिल्कुल 14 तारीख को इस समय। थैंक यू सो मच रितेश। और आपसे ये एक एडवाइस और देना चाहेंगे कि अगर जिस दिन आप अपना गृह प्रवेश करेंगे उस दिन नया झाड़ू जरूर लेके जाइए, दूध की बोतल, कोकोनट पानी और एक सॉल्ट का पैकेट साथ में भगवान जी को लेके, पहले दाया पांव राइट पांव पहले अपने घर के अंदर रखिएगा, दिस इज वेरी गुड। पुराना झाड़ू अपने पुराने घर से कुछ टूटा फूटा नहीं लेके जाएं। जी बिल्कुल, आपने क्या बताया रेवा जी, नई झाड़ू, कोकोनट वाटर, हाँ जी, मिल्क बॉटल,
ओके और कोकोनट वाटर नहीं, कोकोनट पूरा और वाटर बॉटल। ओके, कोकोनट मिल्क एंड वाटर बॉटल। हाँ जी, और भगवान जी को नमक का पैकेट, नया सॉल्ट का पैकेट। ओके, और भगवान जी साथ में। हाँ जी, भगवान जी को लेके जाइए। सबसे पहले गणेश जी को रखें, सबसे पहले गणेश जी को स्थापित करें। अच्छा जी, गणेश जी, बिल्कुल बिल्कुल रितेश जी, चलिए। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन, स्टे ट्यून्ड। लेते हैं रितेश जी हमारा आज का आखिरी कॉल, उसके बाद में फिर हम मूव करेंगे डिवाइन जंक्शन की तरफ। जी बिल्कुल। हाय, यू लाइव ऑन एयर विद रितेश जी। हेलो, नमस्ते रितेश जी। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर माय हस्बैंड, हिज नेम इज दीपक। दीपक, और उसकी बर्थडेट है फरवरी 16, 1964। और क्या जानना चाहते हैं दीपक जी के लिए? वो अभी दो कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रहे हैं, पर आज एक जॉब से बात करनी है कि वो फुल टाइम ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट जॉब ही फुल टाइम ऑफर कर रहे हैं, तो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए या उनके पास फुल टाइम जॉब मांगनी चाहिए? देखिए टचवुड, पहले तो ये कि नॉक ऑन द वुड, दीपक जी का जो ये साल है और जिस तरीके से दो कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, इट्स अप टू हिम, क्योंकि ये साल उन्हें सब तरह के फायदे दे रहे हैं और खास करके जून एंड जुलाई। सो इफ ही वॉन्ट्स टू टर्न इंटू अ फुल टाइम, गेट इंटू अ फुल टाइम जॉब, उन्हें वो भी सक्सेस मिल जाएगी, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट भी रहना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। देखिए इसमें ना पर्सनली चॉइस है आपकी, आपको एक ही जगह बंद के काम करना है या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में काम करके दोबारा वो चीज छोड़ के दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेना है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उनकी अलग अलग चॉइस होती है। आपके सवाल का जवाब यह है, उनके लिए दोनों ऑप्शन ठीक हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं, सक्सेस भी मिलेगी। जून एंड जुलाई आर फेवरिंग हिम अलॉट। ओके, बट इफ ही बिकम्स अ रेगुलर एम्प्लॉई तो वो मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि अब तक जॉब लाइक आती है जाती है ऐसा हो जाता है। जी बिल्कुल, ये चीज तो अभी भी रहेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप 2015 के थोड़ा दिक्कत दिखती है 7 फरवरी के बाद, जिसके अंदर शायद दोबारा स्विच करने की या चेंजेस की आसार बनते हैं। इट कैन बी वन थिंग अराउंड कि हो सकता है कि वो चीज इसी कंपनी में रहते हुए कुछ और सेक्शन मिल जाए, जैसे कि अभी बे एरिया में कर रहे हैं, बोलते कि नहीं आप और कहीं और चले जाइए, टेक्सास चले जाइए, चॉइस मिलती है। ठीक है ना? ठीक है, तो इट्स गुड फॉर हिम, दिस ईयर इज वेरी गुड, उन्हें फायदा पूरा उठाना चाहिए दीपक जी को। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। रितेश जी, रेवा जी, अभी तक तो हम बातें कर रहे थे, ये जो यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड रेक्टिफिकेशन, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे थे रितेश जी, नाम क्या क्या फर्क पड़ता है बिजनेस ओनर का या बिजनेस का। मुझे रेवा जी एक सवाल ये उठता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, जो ये सब देश होते हैं, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस और इनके नाम, क्या ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं उनके सक्सेस में? हाँ बिल्कुल हीरा, जो वास्तु का इम्पैक्ट है ये ज्योग्राफिकल भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप जैसे देखिए जापान को ले लीजिए, कहने को जापान एक छोटा लगता है, लेकिन जिस किसकी प्रोग्रेस है दैट इज रियली ऑसम, बहुत ही इसका प्रोग्रेस, और बहुत ही छोटे से एरिया से मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो पैसिफिक ओशन लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द जापान, अगर ध्यान से देखें, और साउथ और वेस्ट साइड ऑफ जापान जो है वो भी पानी की वजह से पानी में कवर है, वहां पर भी है। उसकी वजह से क्या है कि आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो जाए या द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी मे बी ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन। तो जो इसका जापान ज्यादा तो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी को इसको बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी मिलती है। अगर आप लंदन की तरफ देख लीजिए, लंदन की वजह भी है जिसकी थेम्स रिवर जो बहुत ही मानी हुई रिवर है, इट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ दैट लंदन, और जितने भी लंदन के जितने पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, वो कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में, वहां से भी उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है। और फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी नॉर्थ ईस्ट में, तभी वहां की इतनी यूनिवर्सिटीज का नाम है, वहां की एजुकेशन की बहुत ज्यादा मानी जाती है। और मेन जो इंग्लैंड की बाउंड्री है दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन एंड विच इज गिविंग द पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी वजह से वहां जो मॉर्निंग की सनलाइट एनर्जी है दैट इज रियली बेनिफिशियल। अगर आप हमारे अमेरिका में ही देखें, अमेरिका के मैप की तरफ देखें, तो द कंट्री इज मोर लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट साइड
देन वेस्ट. और इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज ऑल्सो मोर टूवर्ड्स टू द नॉर्थ ईस्ट विच इज वेरी ऑस्पिशियस. बड़ी लेक है दैट इज ऑल्सो इन द नॉर्थ ईस्ट लोकेशन. तो अगर नॉर्थ ईस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स से अगर अमेरिका का देखते हैं, लैंड बिकम रिचर एंड रिचर. दिस इज वॉट वी फाउंड. और साथ ही इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं खासतौर पर बताना चाहती हूँ, हमारी जो आप फोर साइड रोड्स को देते हैं कि जैसे कि आपने कभी जिक्र, आप जो अगर बॉम्बे या पुणे के बारे में जानकारी रखते हैं कि मुंबई में जैसे टाटाज है, कॉर्पोरेट इसके हेडक्वार्टर्स हैं, बॉम्बे हाउस हैं, या इनकम टैक्स बिल्डिंग है, इवन द राइटर्स बिल्डिंग इन कलकत्ता का भी अगर देखें हैव रोड्स ऑन फोर साइड्स, इनकी चार साइड की रोड्स हैं. जबकि वर्ल्ड बैंक ले लीजिए एंड द IMF इन वॉशिंगटन DC आर ऑल्सो हैविंग द फोर साइड्स. दैट इज वेरी वेरी यू कैन से द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वास्तु, बेस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स. रितेश जी, ये आप बताइए, ये कंट्रीज की और यू नो कंट्रीज का जो सक्सेस होता है इसमें कहां पे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आता है, हाउ डज दैट प्ले अ रोल? जी बिल्कुल, देखिए हर एक कंट्री का एक अलग अलग नेम की वाइब्रेशन है, वो तो कंट्री की है, बट एज पर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी उससे ज्यादा मैटर एक करती है बात, वो ये कंट्री इटसेल्फ तो प्रोग्रेस करेगी करेगी, डिपेंड करती है उनके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का बड़ा बिग रोल होता है, ये भी चीज डिपेंड करती है सक्सेस के ऊपर. ओके, इंडिया तो देखिए पहले से ही है, बट एक इंडिविजुअल टाइप के ऊपर में जैसे जैसे गवर्नमेंट बदली है उनकी सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है. एज पर वास्तु रेवा जी के लिए इस बात का आंसर देना बहुत आसान है सराउंडिंग्स के हिसाब से. अगर मैं देता हूं तो मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़ जाएंगे तो मुझे इस चीज पे आप थोड़ा बाहर रखें, लेकिन हाँ ये जरूर है कंट्री का नेम बहुत ज्यादा मैटर करता है. बट अगेन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कहती है उसे चलाने वाला कौन है. देखिए घोड़े तो भागते हैं, जो घोड़े पे घोड़ सवार होता है वो उसे कैसे चलाता है डिपेंड ये करता है. क्या बात है, तो आई विल क्विट माई वर्ड्स ये वाली बात है कि आप मतलब यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आप इंडिविजुअल जैसे क्या वहां जी बिल्कुल. देखिए देश तो है ही, देश तो वहीं रहेगा, मैं इंडिया का नाम नहीं बदल सकता. तो मैं तो इतना कहूंगी कि हमारा डिवाइन जंक्शन का यही लास्ट में यही कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इज रिलेटेड इंडिविजुअली, लेकिन वास्तु आपको यूनिवर्सल. एब्सोल्यूटली ये बात बड़ी अच्छी, रेवा जी ने एग्जाम्पल दिया. कई बार ये बड़ी बातें आती हैं, चीजें होती हैं. वास्तु इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस बट इट्स अ सिस्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, इट्स अ सिस्टर. आपके बहन भाई होते हैं, आपकी नेचर तो अलग होती है बट दिल से दिल के तार तो मिले होते हैं ना जी. ठीक है, तो इसमें आप ये कहें कि नहीं जी मैं ईरा की बहन फर्ज कर लीजिए, जो भी ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं हूं, मैं और ये तो बिल्कुल डिटो सेम है. अरे नहीं भाई, अगर मैं आपको हाथ लगाऊंगा तो उन्हें महसूस नहीं होगा. ट्विन्स भी सेम नहीं होते हैं. बट हाँ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शंस होती हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, ये चीजें होती हैं. ऐसा नहीं है कि व्हाइल डूइंग द वास्तु हम प्लैनेट्स को नजर नहीं रखते. प्लैनेट्स की कहां है उन्हीं डायरेक्शंस को हम नजर रखते हैं. आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप न्यूमरोलॉजी में लेते हैं, आप उन्हीं प्लैनेट्स को इनहेंस कर रहे हैं. बिल्कुल, उसी का एग्जांपल मैंने दिया ना आपको, जैसे रेवा जी के लिए कंट्री की चीजों की सक्सेस प्रोग्रेस बताना वास्तु के एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है. मेरे लिए डिपेंड ये करता है कि उसे तब बैठी कौन सी गवर्नमेंट है, कौन चला रहे हैं, वो डिपेंड इवन कि ईरा 33 इयर्स होने वाले हैं मेरे को इसमें कि पूरे जैसे कि कहते हैं ना कि एडिक्शन है मेरे को वास्तु कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ बहुत मजे से अपना कैंपेस निकाल के देखती हूँ. कई बार हम लोग रेस्टोरेंट्स में होते हैं, कहीं गए होते हैं तब भी हम हंसते होते हैं, रेवा जी यही चीज चेक कर रही होती है. ये होता है कि क्या रीजन है, क्या कमी है, क्या फायदा है या क्या है. उस समय न्यूमरोलॉजी इंडिविजुअल ही इंडिविजुअल देखेगी, लेकिन मैं किसी बिल्डिंग में जाती हूँ, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आती हूँ, इवन कि किसी ब्रांडेड स्टोर में भी जाती हूँ, शॉपिंग करने भी गई हूँ, फिर भी मेरा दिमाग में यही होता है कि क्या फायदा है. दिस इज स्टिल आई एम वर्किंग. एब्सोल्युटली वाओ रेवा जी, यू आर अमेजिंग, मैं क्या बोलूं. तो ऑन दैट नोट हम आते हैं हमारे शो के एंड में, हमारे शो टाइम अप होता है और माफी चाहते हैं लिसनर्स से जिनके फोन कॉल्स हम नहीं ले पाए, जिनके सवालों का जवाब नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली आप बात कर सकते हैं रितेश जी से और रेवा जी से कल दोपहर को 2 से 3 और 3 से 4 थर्सडे को. और स्टूडियो के बाहर आप बात करना चाहते थे तो आप रेवा जी को फोन कर सकते हैं 5108683338 पे. वंस अगेन 5108683338. आप लॉग ऑन कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे divinevastu.net और आप रितेश जी से बात कर सकते हैं 5109313107 और उनकी वेबसाइट है divineintuition.us. रेवा जी, रितेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस. आवर प्लेजर एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर्स, हैव अ गुड डे. थैंक यू. एंड लिसनर्स आप कहीं मत जाइए, मैं बस यूं गई और यूं आई. जिए जा. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra.
and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.